29 फरवरी 2024 द फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भारत के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट निकाली। लिस्ट में टॉप 20 में एक नाम ऐसा था जिसकी पहचान न किसी प्रभावशाली नेता के तौर पर है, न बिजनेसमैन के तौर पर ही, न ही संवैधानिक पद पर बैठे किसी ताकतवर ब्यूरोक्रेट के तौर पर। फिर भी 79 साल की उम्र का यह आदमी देश का 17वां सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक आदमी अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी कैबिनेट के कई मंत्रियों से भी ज़्यादा प्रभावशाली हैं। कमाल की बात है कि ये व्यक्ति एक ऐसे पद पर हैं जिसका नाम भी बहुत कम लोग जानते हैं, आम लोगों से थोड़ा सा दूर रहने वाला, मीडिया लाइमलाइट से दूर रहने वाला पद। सोशल मीडिया पर चलने वाली दंत कथाओं के अनुसार ये शख्स ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भेष बदलकर गोल्डन टेंपल में घुस गए थे। 1999 कंधार प्लेन हाईजैक के दौरान इस शख्स ने बंधकों की रिहाई में एक बड़ी भूमिका निभाई और 2016 में जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की, 2019 में बालाकोट पर हमला किया, इन दोनों ऑपरेशन के पीछे असली दिमाग इन्हीं का है। इंटरनेट से दूर जंगलों में जिंदगी न बिताई हो तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम बात कर रहे हैं अजीत डोभाल की। NSA 13 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स ने अजीत डोभाल को तीसरी बार देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का काम क्या होता है NSA का, और 2014 से अभी तक नरेंद्र मोदी इस पद के लिए अजीत डोभाल पर ही भरोसा क्यों करते आए हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में, जिसमें आज जानेंगे NSA पद से जुड़े सभी सवालों के जवाब। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इनका काम प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सलाह देना होता है। NSA प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा भी होते हैं, हालांकि मामला इतना भी सिंपल नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यालय एक डेस्क NSA की भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बेहद पेचीदा मसला है, कई चीज़ें इससे जुड़ी होती हैं जैसे रिसर्च, इंटेलिजेंस, पॉलिसी स्ट्रक्चर वगैरह। सभी चीज़ों को एक साथ सिंक्रोनाइज करने के लिए भारत सरकार में एक संस्था है जिसे NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, वही NSA इस संस्था के सचिव यानी सेक्रेटरी होते हैं। इसके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी इसका हिस्सा होते हैं, जो बिग फोर हमारे होते हैं यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में शामिल लोग। 1998 से 2014 तक प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी इसका हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 2014 में प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया, इसलिए प्लानिंग कमीशन के डिप्टी कमिश्नर का पद भी नहीं बचा। बहरहाल NSA बनाया क्यों गया? कुछ लोग ये भी कहेंगे कि प्लानिंग कमीशन की जगह तो नीति आयोग आया, लेकिन उसके डिप्टी कमिश्नर या उस तरह का कोई पद नहीं बैठता है NSA में। बहरहाल NSA बनाया क्यों गया और इसकी ज़रूरत क्या है, ये जानने के लिए NSA के इतिहास पर चलते हैं। 1947 में आज़ादी के बाद से देश में आंतरिक और बाहरी कारणों की वजह से देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े खतरे थे। जूनागढ़ की समस्या के बाद सितंबर 1947 में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई, डिफेंस कमेटी ऑफ कैबिनेट DDC। देश के प्रधानमंत्री, कुछ विशेष कैबिनेट मंत्री और जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी को इसका हिस्सा बनाया गया। जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी का काम देश में सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों से जानकारी को पूल करना था। आज़ादी के पहले दशक तक DDC डिफेंस से जुड़े मसलों पर फैसले लेती थी। इसमें पहली बार बदलाव आया 1962 में। 1962 में चीन से युद्ध के बाद DDC को एमरजेंसी कैबिनेट कमेटी में बदल दिया गया, लेकिन मोटा मोटी कामकाज जो पहले था वैसा ही रहा। इस स्ट्रक्चर में एक बड़ा बदलाव आया 1966 में। 1966 में डिफेंस और प्लानिंग के लिए एक दूसरी कमेटी बनाई गई, पॉलिसी प्लानिंग एंड रिव्यू कमेटी PPRC। इसका काम था विदेश नीति और देश की सुरक्षा पर काम करना, इसलिए इस कमेटी को विदेश मंत्रालय के अधीन रखा गया। सुरक्षा के लिए जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरमैन को इसका हिस्सा बनाया गया। इसके अलावा विदेश नीति और सुरक्षा के मामलों पर सब एक पॉइंट पर रहे, इसलिए PPRC में कॉमर्स सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी को भी जोड़ दिया गया। इन दोनों मंत्रालयों को जोड़ने की एक बड़ी वजह थी कि विदेश नीति का बहुत बड़ा असर आर्थिक और रक्षा के मसलों पर भी पड़ता है, एक दूसरे से लिंक चीज़ें हैं। ये सिस्टम मोटा मोटी 1966 से 1990 तक चला, बीच में कुछ छोटे मोटे बदलाव हुए। मसलन 1980 में PPRC को विदेश मंत्रालय की जगह प्रधानमंत्री के मातहत कर दिया गया डायरेक्टली, हालांकि डिफेंस और पॉलिसी प्लानिंग का काम PPRC के अंतर्गत ही चलता रहा। इसके बाद आया 1990 का दशक, VP सिंह देश के प्रधानमंत्री बने 1990 में। उस वक्त उनके सामने कुछ बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय थे, जैसे पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम,
पाकिस्तान कभी भी परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर सकता था। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगस्त 1990 में वीपी सिंह सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी का गठन किया। एनएससी के मेंबर कौन कौन? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और कुछ कैबिनेट मंत्री और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री, जब जैसी ज़रूरत पड़े उस हिसाब से। इस कमेटी को सपोर्ट करने के लिए ग्रुप भी बनाया गया, स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप, जिसमें शामिल थे कैबिनेट सेक्रेटरी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ। अब ये स्ट्रक्चर अच्छा था लेकिन ठीक से काम नहीं कर पाया। सिर्फ दो बार स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप की मीटिंग हुई, जिसके बाद सारा मामला ठंडा पड़ने लगा। इसके बाद एनएससी की असली जरूरत महसूस हुई साल 1993 में। 1993 के साल में देश की आर्थिक राजधानी बंबई में 12 बम धमाके हुए। सरकार के सामने सुरक्षा को लेकर कड़े सवाल खड़े हो गए, लिहाजा नरसिम्हा राव सरकार ने एनएससी को पुनर्जीवित करने की ठानी। ये जिम्मेदारी मिली कैबिनेट सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी को। उस वक्त एनएससी के ऊपर संसद में भी काफ़ी गहमा गहमी वाली डिबेट हुई। 1995 में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस बारे में अपना जवाब भी दिया। उन्होंने इस मामले में ब्रिटेन जैसा रक्षा तंत्र अपनाने की बात कही। क्या बात कही, मिसाल से समझते हैं। ब्रिटेन में सुरक्षा के लिए अलग अलग मसलों के लिए दो अलग अलग कमेटी हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इंटेलिजेंस एजेंसीज और कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस एंड ओवरसीज पॉलिसी। नरसिम्हा राव का मानना था कि भारत को भी यही तरीका अपनाना चाहिए, अलग अलग कमेटी अपना सुझाव दें और ये सारी जानकारी एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक पहुंचे और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सब चीज़ों को कंडेंस करके प्राइम मिनिस्टर को अपने एडवाइस करे कि साहब या मैम आपको ऐसा करना चाहिए, मेरी बाकी सबसे बात हो गई। नरसिम्हा राव ने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को नाम नहीं दिया, लेकिन ये वर्तमान एनएसए का ही शुरुआती विचार था। नरसिम्हा राव की सरकार हालांकि 1996 में चली गई और राजनीतिक उठापटक के बीच 1998 तक एनएसए जैसे किसी पद को गठन को लेकर कोई ठोस फैसला हो नहीं पाया, अस्थिरता थी। एनएसए के पद को लेकर पहला बड़ा कदम लिया गया 1998 में। साल 1998 में वाजपेयी सरकार ने एनएससी के लिए एक टास्क फोर्स बनाई और टास्क फोर्स के सुझाव के आधार पर एनएससी का गठन किया गया। एनएससी कुछ कुछ वैसा ही था जैसा वीपी सरकार के वक्त में बनाया गया था, जिसकी जानकारी अभी थोड़ी देर पहले हमने दी। लेकिन इस बार एनएससी में दो नए पद जोड़े गए, इनमें से एक प्लानिंग कमीशन के डेप्यूटी चेयरमैन थे और दूसरा पद था एनएसए या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का पद। इस तरह भारत के सिक्योरिटी अपैरेटस में पहली बार एनएसए की एंट्री हुई। अब प्रधानमंत्री वाजपेयी के तहत 1998 में एनएससी का जो स्ट्रक्चर था उसको देखिए। एनएससी में शामिल थे प्रधानमंत्री, वो टॉप पे, उसके बाद वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन और एनएसए। 1998 में स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप में कुछ बदलाव हुए। इस बार इसमें कैबिनेट सेक्रेटरी को हटाकर तीनों सेनाओं के प्रमुखों, इंटेलिजेंस एजेंसियों के चीफ जैसे रॉ, आईबी वगैरह को जोड़ा गया। यही स्ट्रक्चर वर्तमान में भी चल रहा है। प्रधानमंत्री एनएससी के अध्यक्ष होते हैं और एनएसए इसके सेक्रेटरी होते हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी अभी एनएससी के अध्यक्ष हैं और अजीत डोवाल सेक्रेटरी हैं उनके एनएससी में। एनएसए स्ट्रेटेजिक कोर ग्रुप को लीड भी करते हैं और सभी सुरक्षा एजेंसियों से जानकारी इकट्ठा कर एनएससी की मीटिंग में वो आमने सामने बात होती है फिर, और इन्हीं सुझावों के आधार पर एनएससी में फैसले भी किए जाते हैं। एनएससी के गठन के कुछ ही महीनों के अंतराल में कारगिल में युद्ध हुआ। इस युद्ध में एनएससी ने बेहतरीन काम किया, पाकिस्तान से खुफिया जानकारियां जुटाई गईं, साथ ही एनएससी ने सेना, नागरिकों, नेताओं के बीच एक तालमेल बैठाने में भूमिका अदा की। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बृजेश मिश्रा को भारत का पहला एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया। एनएससी का इतिहास और स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, अब जानते हैं कि वर्तमान में यह क्या क्या काम करती है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये भारत के इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी पर काम करने वाली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था है, सबसे ताकतवर भी। इंटरनल सिक्योरिटी यानी भारत के सुरक्षा को सुनिश्चित करना। आप हाल में मणिपुर की घटनाओं को देख रहे हैं, यह आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मसला है। इसके अलावा जैसे पंजाब में खालिस्तान समर्थकों की बात हो या फिर देश में कहीं नक्सलवाद का खतरा हो, ये सारी चीज़ें इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ी हैं। एक्सटर्नल सिक्योरिटी यानी देश के बाहर से देश पर कोई खतरा ना आए, इसे सुनिश्चित करना, जैसे किसी दूसरे देश का आक्रमण। इसके अलावा एक्सटर्नल सिक्योरिटी की परिधि में बॉर्डर पार से आतंकवाद या घुसपैठ जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। डिफेंस और मिलिट्री अफेयर्स के कई मामलों में भी ये संस्था फैसले लेती है। उदाहरण के लिए साल 2019 में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया, ताकि सेना और सरकार के बीच सही कोऑर्डिनेशन बैठे। इस फैसले के पीछे बैकग्राउंड वर्क जो था इस संस्था ने किया था। वैसे एक और चीज़ जो इसमें जोड़नी चाहिए,
जो कारगिल रिव्यू कमेटी थी कि युद्ध के बाद हमसे क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या हमने ठीक किया नहीं किया, उसके लिए के सुब्रमण्यम की जो कमेटी थी उन्होंने भी अनुशंसा की थी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद आपको बना लेना चाहिए, क्योंकि तब ये सामने आया था कि हमारी बहुत सारी एजेंसीज और सेनाएं साइलोज में काम कर रही थी और उसे टालने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद आया। एनएससी की भी उस पर भूमिका होगी, हम ये मानते हैं। इसके अलावा ये संस्था काउंटर टेररिज्म, स्पेस एंड हाई टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर भी काम करती है। आपने एनएससी और एनएसए के बारे में जान लिया, अब वर्तमान एनएससी की बात करते हैं। अजीत डोभाल, उनसे पहले चार एनएसए रह चुके हैं, हालांकि अजीत डोभाल का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। उनके पिता मेजर गुनानाथ डोभाल एक अधिकारी थे इंडियन आर्मी में। अजीत ने 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक और मास्टर की डिग्री पूरी की। उस जमाने में उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, उत्तर प्रदेश ही था। मीडिया में भारत के वास्तविक जीवन के जेम्स बॉन्ड के रूप में लोकप्रिय डोभाल कई कोवर्ट मिशंस में सक्रिय रूप से शामिल रहे। चाहे वो साल 1971 का थलासेरी दंगा हो, 1984 का खालिस्तान मूवमेंट हो, या 1971 से 1999 तक इंडियन एयरलाइंस के विमानों की हाईजैकिंग जैसे कई राष्ट्रीय हित से जुड़े मामले रहे हों, उनमें कहीं ना कहीं अजीत डोभाल की भूमिका रही है। बेहतरीन नेगोशिएटर माना जाता है। 1999 में IC-814 के समय उन्होंने आतंकवादियों से नेगोशिएट किया था। 1988 में उन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन ब्लैक थंडर को लीड भी किया गया, जिसमें आर्मी को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ब्लैक कैट कमांडोज को यूज़ किया गया था, जो कि देश के गृह मंत्रालय के तहत आते हैं। अजीत डोभाल के करियर से जुड़ी और जानकारियों के लिए हमने बात की आज तक के सीनियर एडिटर मंजीत नेगी से, जो कि नेशनल सिक्योरिटी पर ही काम करते हैं। उन्होंने डोभाल की जिंदगी से जुड़े कई किस्से बताया और ये भी बताया कि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अजीत डोभाल पर भरोसा क्यों दिखाया। सुनिए उनकी बात। देखिए, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बात की जाए, तो पिछले 10 साल में एनएसए के तौर पर मैंने जो उनको एक रिपोर्टर के तौर पर कवर किया है, उनको उनके बारे में मैं एक लाइन में अगर कहूं तो वो बड़े काम बड़ी सहजता से कर लेते हैं। उसकी चर्चा काम करने से पहले नहीं करते और काम करने के बाद फिर हम लोग पत्रकार या बाकी दुनिया उनकी उस काम की चर्चा करती है। और इस बात को उन्होंने कई बार कहा भी है कि वो जब किसी काम को बड़े मिशन को करते हैं तो उसके क्या गुणा भाग है, उसको लेकर क्या उनके मन में कोई डर है, उसको लेकर वो कभी सोचते नहीं है। हालांकि बाद में जरूर वो कहते हैं कि मैं उसका आकलन करता हूं कि भाई इस काम में ये डर था या इस तरह का नुकसान हो सकता है। मैं 2016 जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, सर्जिकल स्ट्राइक, जब भारत ने पहली बार पूरी आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था, उसकी एक घटना जिसका मैं गवाह रहा हूँ। जब ये उरी अटैक हुआ आतंकी, मैं वहां पर गया भी कवर करने, उसके बाद जब लौट कर दिल्ली आया तो पूरे देश में चर्चा थी कि सरकार इसको लेकर क्या करेगी। रक्षा पत्रकार के तौर पर मैं भी लगातार साउथ ब्लॉक में घूम रहा था कि इसको लेकर क्या सरकार की रणनीति है। उसी दौरान मुझे याद है कि 24 या 25 अगस्त की बात है, सितंबर की बात है, जब ये सर्जिकल स्ट्राइक की, हालांकि किसी के मन में नहीं था कि सरकार इतना बड़ा कदम उठाएगी, तो उस दौरान एक बार करीब दोपहर का वक्त था, 2 बजे रोज की तरह मैं साउथ ब्लॉक में घूम रहा था, फर्स्ट फ्लोर जहां पर रक्षा मंत्री, दोनों सेना प्रमुख, नौसेना और थल सेना प्रमुख बैठते हैं, उस कॉरिडोर में घूम रहा था। मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री थे, अचानक अजीत डोभाल साउथ ब्लॉक जो कि प्रधानमंत्री का कार्यालय जहां वो बैठते हैं, वहां से पैदल कॉरिडोर के अंदर होते हुए, सामान्य तौर पर अगर कोई बड़ा मंत्री या VIP आता तो वो गाड़ी से आता, लेकिन वो अपने ऑफिस से पैदल कॉरिडोर होते हुए रक्षा मंत्री के ऑफिस पहुंचे। मनोहर पर्रिकर सेना प्रमुख के साथ उनकी बैठक हुई। बैठक के बाद वो जब निकल रहे थे तो मैं उनसे मिला और उनके साथ चलते चलते साउथ ब्लॉक के कॉरिडोर में आगे बढ़ा, तो मैंने उनसे पूछा, उनको मैंने कहा, सर ये उरी अटैक को लेकर, आतंकी हमले को लेकर बड़ी चर्चा है, लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार इस पर कड़े कदम नहीं उठा रही है, आलोचना आपकी हो रही है, आपकी जो छवि है कि आप बहुत एक पाकिस्तान को लेकर आपकी जो रणनीति है, आपने पाकिस्तान में समय दिया, उन सब चीजों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो उन्होंने बहुत गंभीरता से और बिना किसी हिचक के इस बात को कहा कि
अगर इस तरह का आतंकी हमला हुआ है, हमारी आलोचना हो रही है, तो वो स्वाभाविक है और ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा होना हो रहा है। और उन्होंने कहा ठीक है, हम देखेंगे हम क्या करेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री का जो कार्यालय साउल, वहां तक मैं उनके साथ चला गया। अचानक वो रुके, उन्होंने कहा तुम इसके आगे नहीं जा सकते, क्योंकि इसके आगे प्रधानमंत्री का कार्यालय शुरू होता है, तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। और फिर वो अपनी बात, उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं क्या करेंगे, और मैं भी वापस आ गया। और अगले दिन पूरी देश, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत ने पहली बार कितना बड़ा कदम उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जब सुबह उठकर हम उठे, सभी लोग सोकर उठे, तो सेना ने जानकारी दी कि भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में घुसकर आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। काबिलियत को दिखाता है कि वो किस तरह से बड़े काम बहुत सहजता से करते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि किसी बड़े काम को, काम खत्म होने के बाद उसमें कैसे मीडिया का इस्तेमाल होना है। जहां तक एनएसजी डोभाल के ये जो फोटोग्राफ है, उनके बहुत यूनिक और पुराने फोटो हैं, जो उनके परिवार, उनके उनके जो युवा दिनों की को दिखाते हैं, जब वो पहली बार आईपीएस के तौर पर एकेडमी में पास आउट हुए, उस वक्त उनकी फोटो है, उनकी अपने जब उनका विवाह हुआ अरुणी डोभाल के साथ, उनकी कुछ पारिवारिक फोटो हैं अपनी पत्नी के साथ, ये वो तमाम फोटोग्राफ हैं जो बहुत अभी तक मीडिया में नहीं है। मुझे ये मौका मिला जब मैं उनके बारे में 2016-17 में जानकारी इकट्ठा कर रहा था, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं एक पुस्तक पर काम कर रहा था, हिल वॉरियर, जिसमें उस वक्त सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत, गृह प्रमुख अनिल धस्माना और अजीत डोभाल जैसे जो देवभूमि, उस वक्त की बड़ी चर्चा थी कि एक ही जिले से, पौड़ी गढ़वाल से इतने सारे लोग निकले हैं, उसी संदर्भ में मैंने उस पुस्तक पर काम किया। और तब मैंने उनकी पत्नी अरुणी डोभाल से अनुरोध किया, उन्होंने बहुत अनुरोध के बाद ये कुछ खास फोटो मुझे दी थी, जिसमें एकेडमी से पास आउट होने के बाद अजीत डोभाल जी ने पहली बार वर्दी पहनी। हालांकि उनके बारे में ये कहा जाता है और ये सत्य है कि उन्होंने वर्दी बहुत कम समय के लिए पहनी, क्योंकि वो केरल काडर में आईपीएस बनने के बाद बहुत कम समय अपने काडर में रहे, उसके बाद वो उन्होंने पूरा जीवन अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो में दिया, जहां पर वो डीआईबी के तौर पर अपनी 40 साल की सर्विस के बाद सेवानिवृत्त हुए। और बाकी फोटोग्राफ देखें, अपने परिवार के साथ उनकी बहुत फोटो है, उनके दोनों पुत्र उसमें नजर आ रहे हैं, शौर्य और विवेक डोभाल, उनकी पत्नी अरुणी रावत जो अरुणी डोभाल जो उनके साथ लगातार हर मौके पर उनके साथ रही हैं। तो इस तरह से उनकी कुछ बहुत पारिवारिक और व्यक्तिगत फोटोग्राफ हैं जो अभी तक इस तरह से मीडिया में नहीं है, और वो उनके जो कारनामे हैं वो लगातार, मतलब मुझे लगता है कि अभी भी चर्चा का विषय है। और इस वक्त जब तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है, तो वो दिखाता है कि वो, उन्होंने चाहे वो आईबी डीआईबी के तौर पर उनका काम रहा हो, या पिछले 10 साल में एनएसए के तौर पर उनकी जो भूमिका रही है, आज अगर आप देखें तो देश और दुनिया में जो टर्मोइल है, जिस तरह का हालात हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर जो भरोसा जताया, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि पिछले 10 साल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर जितनी चुनौतियां रही हैं, उनको एनएसए डोभाल ने बहुत तेजी के साथ मौके पर उनका समाधान किया है, उनका हल निकाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख और कान के तौर पर उन्होंने काम किया है। और इस वक्त भी चाहे आप बड़े राष्ट्राध्यक्षों की बात करें, चाहे रूस के राष्ट्रपति की हम बात करें, व्लादिमीर पुतिन की बात करें, बाकी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बड़े, जिनकी देश और दुनिया में इस वक्त जो हालात उसमें चर्चा होती है, सभी एक तरह से व्यक्तिगत तौर पर एनएसजी डोभाल को जानते हैं। और आज अगर हम चाहे यूक्रेन युद्ध की बात करें, चाहे हम इसराइल हमास के जो हालात हैं उनकी बात करें, या फिर हमारे जो मुस्लिम देशों के साथ जो हमारे संबंध हैं, हम यूएई की बात करें, तो वहां पर भी एनएसजी डोभाल की बहुत अपने उनके साथ व्यक्तिगत तौर पर उनके संबंध रहते हैं, और किसी भी हालात में वो आसानी से रास्ता निकाल लेते हैं। तो ऐसे में इस वक्त देश और चाहे देश के अंदर के हालात हों या वैश्विक मंच पर जो हालात हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर इन हालात और इन चीजों को देखते हुए एक तरह से तीसरी बार भरोसा जताया है। आज आपने एनएससी और एनएसए के बारे में जाना, देश के वर्तमान एनएसए अजीत डोभाल के बारे में भी जाना। बहरहाल
आपके लिए एक और जानकारी दे देते हैं। आपका चहेता शो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम 100 एपिसोड्स पूरे कर रहा है। 100वें एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं मशहूर एक्टर नाना पाटेकर। ये एपिसोड 22 जून को दोपहर 4 बजे ललन टॉप के ऐप पर आप देखना नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। ये जो आसान भाषा में का ये एपिसोड था, हमारे साथ ही आकाश ने लिखा और जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप बने रहिए दी ललन टॉप के साथ।